हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 11/2/2019। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 4550 है, स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफाई किया हुआ है, दूसरे स्टार का मतलब है बाकी जो है, जो बची वैकेंट पोस्ट है 200 है, उनका भी नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। अभी देख लीजिए इसमें सारी चीजें फ्रेंड्स। एक मैं चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर हम मतलब कि सिलेक्शन कैसे होगी, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें मतलब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, लास्ट तक सुन लीजिए, कोई भी चीज मिस मत कीजिए। 4500 पोस्ट फ्रेंड्स काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं, काफी लार्ज पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आपको जो जॉब मिल सकती है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती नहीं करनी है, तो वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। चलिए सबसे पहले बताता हूँ जॉब प्रोफाइल क्या क्या है। इसके अंदर जो ये 4500 पोस्ट है, इसके अंदर तीन पोस्ट हैं। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, काफी अच्छी सैलरी अभी बताऊंगा आपको। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और थर्ड है डाक सेवक। तो तीनों की क्वालिफिकेशन बताऊंगा, सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो शुरू है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, इसकी जो है सैलरी है 35480 रुपीज पर मंथ तक इसकी सैलरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट, तो इसकी है 24470 रुपीज, तो इसकी इतनी सैलरी है फ्रेंड्स। इसके अलावा अलाउंसेस मिलेंगे, अगर आपकी पोस्टिंग हरियाणा में होती है तो आपको अलग अलाउंसेस मिलते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं राजस्थान के अंदर है तो आपको अलग अलाउंसेस मिलेंगे, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और है मतलब किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो आपको अलाउंसेस अलग मिलेंगे, तो सैलरी फिर वेरी करती है। अगर आपकी पंजाब में पोस्टिंग है तो अलाउंसेस कुछ और होंगे। चलिए, और जो ग्रामीण डाक सेवक है इसकी है 29380 रुपीज पर मंथ तक, तो ये आप लोग याद रख लीजिए ये तीन सैलरीज के बारे में। अच्छी सैलरी है, काफी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब फ्रेंड्स, तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज कितनी है। तो 18 से 40 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, और जो एज है वो 15/3/2019 तक वैलिड रहेगी, कि 15/3/2019 तक अगर आप लोग 40 साल के हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। 40 ईयर तो ये होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स SC ST के लिए 5 साल की छूट है, एक्स सर्विस मैन के लिए 10 साल की छूट है। जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं वो सभी नीचे लिखे हुए, अगर आपको पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। कि जो PWD हो 15 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो 55 ईयर तक भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी पोस्ट है और अच्छी सैलरी है, अच्छा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको 10th पास होना जरूरी है, मिनिमम आपको 10th पास होना जरूरी है तीनों पोस्ट के लिए। और दूसरा आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, बस ये दो ही चीज़ें इसमें मांगी गई है, और इसमें कुछ नहीं मांगा गया, 10th पास और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट है इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। कोई एग्जाम नहीं होगा, पहले मैंने बता दिया था, तो फिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई करते जाएंगे, आप लोग के फॉर्म लगते जाएंगे, उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है 10th में परसेंटेज है उसके बिहाफ पे, और जो आपकी एज है, मान लीजिए एक दो बंदे हैं उनके 10th में परसेंटेज सेम होगी, लेकिन एक की एज मतलब एक की एज है 40, दूसरे की एज है 35, तो 40 वाले को पहले जॉब मिलेगी, 35 वाले को बाद में जॉब मिलेगी। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना वो भी देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई। https://indiapost.gov.in पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ये है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों दे देंगे आपको, आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कि हाँ सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, हमने एग्जाम बूस्टर के नाम से स्टडी मटेरियल तैयार किया है, उसके अंदर फ्रेंड्स मैथ्स के जो जितने भी टॉपिक है 26 टॉपिक्स बनते हैं मैथ्स के, अलग अलग टॉपिक्स हैं, और हर एक टॉपिक के हमने जो अलग अलग सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं वो सारी एक ही हमने PDF प्रिपेयर कर रखी है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। रीजनिंग के अंदर आपको जो है रीजनिंग के भी 26 टॉपिक्स हैं, 26 फ्रेंड्स टॉपिक्स नहीं है, वो चैप्टर्स के नाम है 26। और उसके बाद हर एक के जो है 100-100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए पहले करवाए गए हैं, बाद में प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं, और साथ में इंग्लिश। ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SSC के लिए अलग पैकेज हमने बना रखा है। अगर आप लोग RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं RRB के अंदर, तो उसके लिए अलग से जो पैकेज बना हुआ है। और अगर आप लोग किसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग पैकेज बनाओ। आपको कोई भी पैकेज चाहिए कि हाँ सर हमें पढ़ना है, हमें क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल वेरी करता है। SSC में लेवल अलग रहता है क्वेश्चन का, RRB में लेवल अलग रहता है। तो हमने वो सारे जो अलग अलग पैकेज बना रखे हैं, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9896160956। फ्रेंड्स इसके कुछ चार्जेज हैं, मिनिमम चार्जेज हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं कि शायद ये फ्री होगा, तो फ्रेंड्स मैंने पहले बता दिया कि आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9896160956।
नंबर ऊपर साफ साफ लिख देता हूँ अगर किसी को परेशानी हो रही हो। और इसके कुछ मिनिमम चार्जेज हैं, आपको वो पे करने पड़ेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो हमें पूछ लीजिए नीचे कमेंट करके। वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हो बता दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।